अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के साथ सब्ज़ी मंडी कराची में मौजूद हूं, और ये मैं आपके साथ काफ़ी टाइम के बाद सब्ज़ी मंडी कराची में मौजूद हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं सब्ज़ी मंडी नहीं आ पा रहा था, तो यही रीज़न है। चलिए फिर देखते हैं सब्ज़ी मंडी कराची में आज जो है वो क्या प्राइजेस चल रही हैं, और कंप्लीट डिटेल अगर जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जी व्यूवर्स, तो मैं सबसे पहले आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो प्याज शेयर कर रहा हूँ। खुली हुई प्याज जो मिल रही है 20 से 25 रुपए के दरमियान मिल रही है, जो कि आपके सामने रखी है, और ये अच्छी क्वालिटी की प्याज है, कोई ऐसी मामूली सी प्याज नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम अगर देखें तो ये प्याज रखी हुई है, और आलू भी जो हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। आलू के पहले मैं आपको रिटेल प्राइसेस शेयर कर रहा हूँ आलू के, उसके बाद फिर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा कट्टे, और यानी कि बोरी वगैरह के जो हिसाब किताब होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो खोल के ये लोग आलू बेच रहे हैं, आलू की जो प्राइस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 20 या 25 या 30 रुपये के दरमियान ये आलू मिल रहे हैं, जो कि गोल वाले आलू हैं, और कभी कभार ये लंबे वाले आलू जो होते हैं ये थोड़े से महंगे होते हैं। भाई से ज़रा पूछते भी हैं। जी भाई, ज़रा आलू के ज़रा प्राइस बताएं सबसे पहले कि कौन सी क्वालिटी का। आलू के दो क्वालिटी होती हैं, एक लंबा आलू कहलाता है और एक आता है गोला आलू। जो लंबा आलू है वो समझ लो कि 15 से लेके 20 तक का बिक रहा है यहाँ पे, और जो गोला आलू है वो 20 से 30 तक का बिक रहा है। 20 से 30 तक। हाँ, मन का हिसाब किताब क्या है? मन का जो हिसाब किताब है वो अगर 15 का तो 600 रुपये मन है, क्योंकि 5 रुपये किलो किलो में पड़ता है 200 रुपये का मन से समझ लो। अगर 5 रुपये किलो है तो वो सीधा हिसाब के 200 रुपये मन, अब ऐसे अगर 10 रुपये किलो तो 400 रुपये मन, 15 किलो तो 600 रुपये मन, तो ये हिसाब किताब होता है सारा। यहाँ मन का हिसाब है, बोझों का हिसाब है, मन का हिसाब होता है यहाँ। हाँ, और प्याज का क्या हिसाब किताब होता है? प्याज भी आकर बस ये है कि प्याजें बहुत सारी आ रही हैं, जगह जगह से प्याजें आ रही हैं। आज मंडी में 152 गाड़ी प्याज है, तो 600 से लेकर 1200 तक की प्याजें बिक रही हैं आज भी। आज फिलहाल क्या प्याज आज का यही है, 600 से लेके 1200 तक की प्याजें बिकी हैं आज भी, 600 की भी हैं, 700 की भी हैं। वो जैसा शहर वैसे पैसे। अब अगर लालू के चीप इलाके तो 30 रुपये, 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो भी है, अच्छे इलाके तो 50 रुपये किलो भी है। कम से कम 30 रुपये किलो, 30-25 रुपये किलो सही अच्छी प्याज। हाँ, हाँ, हमारा अपने यही साइड है बस। साथ आलू प्याज की मैंने कीमतें शेयर करी है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर और क्या सब्ज़ी मंडी में मिल रहा है। सबसे पहले ये हरा धनिया की कीमतें पूछ रहे हैं। हरा धनिया मामा क्या रुपए किलो है ये? एक रुपए गड्डी। अच्छा सही। और मामा ये क्या रुपए किलो है? ये 10 रुपए किलो। सरसों कहलाता है ये 10 रुपए किलो? नॉर्मल है, अच्छा वाला महंगा है। अच्छा अच्छा, 30 रुपए किलो। तो ये व्यूअर आपने ये देखा कि सरसों जो मिल रहा है यहाँ पर 10 रुपये किलो के हिसाब से कि मिल रहा है, और हरा धनिया जो मिल रहा है 1 रुपये की गड्डी है, जो कि बाज़ार में 10 रुपये या 15 रुपये की गड्डी ये लोग दे रहे होते हैं। फिर ये पूछते हैं सलाद पत्ता जो मिल रहा है, सलाद पत्ते की क्या कीमतें हैं? ये 40 रुपये। सलाद पत्ता 40 रुपये किलो, 1 किलो, और बाहर कितना मिलता हुआ है? 80 रुपये, 100 रुपये तक और ऊपर हुआ। सही सही। तो ये व्यूअर आपने ये सुना, ये सलाद पत्ता सिर्फ यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में 40 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल रहा है। तो फिर देखते हैं और क्या यहाँ पर मिल रहा है। फिर एक तरफ ये सोया मेथी वगैरह भी रखी हुई है। ये सोया जो मिल रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और ताज़ा सोया, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 रुपये की गड्डी यहाँ पर ये मिल रही है, जो कि बाज़ार में अमूमन आपको 15 और 20 रुपये किलो, 20 रुपये की गड्डी ये मिलेगी, लेकिन ये सोया की जो है गड्डी सिर्फ 4 रुपये की मिलेगी। तो व्यूअर, ये आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर सुप्रीम क्वालिटी के नींबू जो मिल रहे हैं, फिर चलिए देखते हैं उनकी क्या प्राइस है। बहुत ही ज़बरदस्त और ताज़े बड़े बड़े नींबू यहाँ मिल रहे हैं, और एक और क्वालिटी जो मिल रही है वो थोड़ी सी डाउन क्वालिटी है ये नींबू की, आप देख सकते हैं ये थोड़ा छोटी क्वालिटी के नींबू हैं। तो दोनों की कीमतें ज़रा पूछ लूँ। हाँ, 50 रुपये। और वो जो वो रखा हुआ पीछे की तरफ, वही 50। तो ये व्यूअर आपने ये सुना, ये नींबू एक ये बड़े क्वालिटी की नींबू ये भी 50 रुपये किलो के हिसाब से, और जो छोटे नींबू हैं ये भी जो है ये 50 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल रहे हैं। फिर और देखते हैं सब्ज़ी मंडी में और क्या मिल रहा है। बड़े मज़े की चीज़ें और बहुत ही ताज़ा और बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो यही वजह है कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो
एक तरफ ये आप देख सकते हैं ये हरी मिर्चें रखी हुई हैं, बहुत ही ताज़ा और ज़बरदस्त मिर्चें ये रखी हुई हैं। फिर इनकी कीमत पूछ तो ये जो है भाई यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें महंगी मिल रही हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पर महंगी यानी कि 80 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल रही हैं, जो कि बाहर शायद हमें 160-150 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल सकती है। तो व्यूअर ये आपके साथ शेयर कर दूँ, लहसुन अदरक की भी प्राइस शेयर कर देता हूँ। ये जो है वो लहसुन मिल रहा है यहाँ पर सिर्फ 200 रुपये किलो के हिसाब से, ये चाइना का लहसुन मिल रहा है, और देसी लहसुन जो मिल रहा है वो 180 है मामा, ये भी 200 रुपये किलो है। अच्छा वो 280। अच्छा तो ये व्यूअर ये आपके साथ थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, ये देसी लहसुन जो है वो 200 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, और चाइना का जो मिल रहा है ये 280 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, और अदरक की जो कीमतें हैं वो 180 रुपये किलो के हिसाब से ये अदरक यहाँ पर मिल रही है। ये थोड़ी सी छोटी वाली अदरक है, और थोड़ी और बड़ी वाली अदरक मैं आपको दिखाता हूँ उसकी क्या रेट चल रहे हैं। तो ये बड़ी वाली अदरक जो है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसकी जो कीमत बनाई है 200 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल रही है। फिर देखते हैं लहसुन अदरक के अलावा और क्या मिल रहा है मंडी में। तो ये व्यूअर एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, ये मारू के नाम से एक सब्ज़ी यहाँ पर मैंने देखी है, और इसकी ज़रा प्राइस पूछते हैं, इसकी क्या प्राइस है मामा, इसकी क्या प्राइस है मामा, ये कितने का है? 60 रुपये 50 रुपये। ये 60 रुपये किलो या 50 रुपये किलो के हिसाब से ये आपको मिल रहा है, मारू सब्ज़ी कहलाती है ये। और फिर ये देखते हैं ये शिमला मिर्च किस हिसाब से यहाँ पर मिल रही है, शिमला मिर्च के भी पैसे शेयर करता हूँ। क्या रुपये मामा? 100 की भी है 80 की भी है। अच्छा तो ये दो रेट उन्होंने बताया कि शिमला मिर्च यहाँ पर 100 रुपये जो है वो अच्छी वाली भी है, और 80 रुपये किलो में थोड़ी सी कम क्वालिटी की यहाँ पर मिल रही है। फिर शिमला मिर्च वगैरह के अलावा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और क्या यहाँ पर मिल रहा है, ये लौकी रखी हुई है आपके सामने, लौकी की कीमत ज़रा पूछते हैं मामा, लौकी क्या रुपए किलो? लौकी 80 की भी है और 70 की भी है। अच्छा 80 भी है और 70 भी है, छाटी वाली 80, लागत वाली 70। सही है, तो ये आपने सुना ये लौकी जो है वो 80 रुपए और 70 रुपए किलो मिल रहा है। और ये मटर का पूछते हैं मामा, मटर क्या रुपये? पंजाब 70 रुपये किलो, पनीर 100 रुपये किलो। अच्छा तो ये पंजाब के जो मटर हैं ये यहाँ पर मिल रहे हैं 70 रुपये किलो के हिसाब से, और मलीर के जो मटर हैं वो 100 रुपये किलो के हिसाब से हैं। तो ये मटर की अपडेट्स हो गई, फिर मैं आपको और दिखाता हूँ कि और क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो फिर मैं आपके साथ मटर के बाद मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ अरवी के प्राइजेस, अरवी जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल रही है, बड़ी वाली अरवी, कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी अरवी जो है यहाँ पर ये 50 रुपये किलो के हिसाब से मंडी में मिल रही है। तो व्यूअर ये आपने सुना, आपको अरवी के बाद एक और मैं अपडेट दे दूँ कि टमाटर आज जो है यहाँ पर चल रहे हैं 800 रुपये की ये पेटी है, और इसमें जो टमाटर की जो होती है मकदार वो होती है 15 से 16 किलो के दरमियान ये टमाटर यहाँ मिलते हैं। तो फिर देखते हैं टमाटर के अलावा और क्या मिल रहा है। मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, सेम फली यहाँ पर मिल रही है, सेम फली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर किस हिसाब से मिल रही है मैं ज़रा पूछ के बताता हूँ आपको, 100 रुपये। तो ये व्यूअर यहाँ पर जो सेम फली मिल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ 60 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल रही है। तो सेम फली के अलावा और क्या यहाँ पर मिल रहा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसके बाद मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ वो कद्दू शेयर करता हूँ, कद्दू जो है ये 50 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर कद्दू मिल रहा है।